हेलो एवरीवन, इस वीडियो में एनालिसिस कर लेते हैं इंडियाज बोल हाउसिंग फाइनेंस की। तो ये स्टॉक भी बहुत सही चल रहा है और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही अच्छा है। क्विकली चार्ट देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि इंडिया बोल हाउसिंग फाइनेंस ऑलमोस्ट यहाँ मार्च से एक बुलिश मोमेंटम के ट्रेंड पर है। वन डे टी एफ का ये चार्ट है और ऑलरेडी आप नोटिस करोगे तो स्टॉक ने अच्छे खासे रिटर्न्स निकाल दिए हैं। ऑलमोस्ट 85% रिटर्न्स स्टॉक ने भी निकाल दिए हैं। तो ये स्टॉक भी सही चल रहा है। आप देखोगे यहाँ से बुलिश मोमेंटम पकड़ा स्टॉक ने अगस्त के जुलाई एंड अगस्त से अराउंड एक अच्छा बुलिश मोमेंटम है और यहाँ से सही चल रहा है स्टॉक। फिलहाल एक कंसोलिडेशन हो रहा है क्योंकि स्टॉक के नतीजे आए हैं। नतीजों के बाद अच्छा निकल गया बट एक मोमेंटम अभी जो रुका हुआ है। यहाँ आपको समझ नहीं आएगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। 1RTF पे तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे 1RTF पे कि स्टॉक में जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे यहाँ बहुत सही समझ आ जाएगा आपको। यहाँ पे आप दो जोन देख सकते हो। पहला जोन अगर ये वाला हो गया जहाँ रेजिस्टेंस फेस हो रही है तो स्टॉक को यहाँ सेलर्स बहुत एक्टिव होंगे, निकल नहीं पा रहे ऊपर। दूसरा आप यहाँ पर बना सकते हो, एक ये वाला मोमेंटम इधर है, अगर इसको आप समझ लेते तो ये बायर्स का जोन है। तो इस जोन में जब तक स्टॉक है तब तक ठीक है। ये जोन टूटता है अगर तो फिर आपको सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा और 144 से 144 ये दो लेवल तक स्टॉक यहाँ तक गिर सकता है आपका इजीली, क्योंकि यही ट्रेंड लाइन स्टॉक को होल्ड करें और सबसे ज़्यादा बायर्स यहीं पे हैं। तो ये सडन मोमेंटम अगर ये ब्रेक करके निकलता है इधर तक इसके नीचे तक तो ये सारे स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं। तो यहाँ पे एक हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है आपको और ये लेवल रहेगा वो उसका 147 फिलहाल के लिए रह सकता है। ये स्टॉक हाल ही में यहाँ तक एक ट्रेवल करके गया है, यहाँ से रिवर्सल भी आ गया था क्योंकि बायर्स अच्छे एक्टिव हो रखे हैं। तो अभी आप देख सकते हो RSI भी नीचे ही जा रहा है और RSI जिस हिसाब से नीचे जा रहा है तो दोनों ही बिल्कुल मैच होते हुए दिख रहे हैं। आप देखोगे चार्ट पे कैंडल्स भी और RSI बिल्कुल सिमिलर मैच है, कोई भी ऐसा डाइवर्जेंस नहीं है। तो उस हिसाब से नोटिस किया जाए तो अभी हाउसिंग फाइनेंस नीचे जा सकता है, नो डाउट इन डैट, क्योंकि इतने रिटर्न जब स्टॉक निकाल देता है तो एक छोटा सा पुलबैक तो आप मान के चल ही सकते हैं क्योंकि ये रिटर्न 50% के अराउंड तो हो ही रहे हैं, 45-50। तो यहाँ से आप एक छोटा सा ये पुलबैक समझ सकते हैं क्योंकि अगर ये ज़्यादा रहा तो ये ट्रेंड लाइन पकड़ लेगा स्टॉक और फिर यहाँ से फिर ऊपर की दिशा जाएगी तो फिर ये दूसरा चैनल पकड़ लेगा स्टॉक, फिर ऐसे 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 चैनल में ट्रेड होएगा आगे के भी। अब ये जो आप ट्रेंड लाइन्स देख रहे हो इनके बीच में अगर आपके जो भी पोजीशंस बाय या सेल करना चाह रहे हो तो फिलहाल के लिए मैं कोई पोजीशंस बाय सेल का आपको नहीं बता सकता क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो आज क्लोजिंग हुई है उसकी वो ऑलमोस्ट ये कंसिस्टेंटली पूरा वीक रेड में रहा है। तो ये वीक में भी अच्छा खासा वीकली चार्ट पे भी रेड में ही क्लोजिंग है। तो फर्दर अगर ये ज़्यादा फॉल होता है तो ये ट्रेंड लाइन जब क्रॉस हो जाए तब फिर आपके कोई एक मोमेंटम बन सकता है बाइंग का, अदरवाइज़ फ़िलहाल के लिए कोई बाइंग नहीं है। क्योंकि यहाँ से जब ये वाला लेवल क्रॉस करेगा 173 का और सस्टेन करके निकल जाए तो फिर यहाँ कहीं बाइंग करिएगा, और अदरवाइज़ स्टॉक गिर रहा है तो फिर उसको नीचे ही आ जाने दीजिए, तभी बाय करिए 144 के आसपास। यहाँ से आपका एक्यूमुलेशन सही निकलेगा, 25% के रिटर्न्स भी आपकी इजीली बुक हो जाएंगे। तो आपको ऐसे मोमेंटम पकड़ना होगा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में। एक नज़र फाइनेंशियल्स पे डाल लेते हैं तो आप नोटिस करोगे कि फाइनेंशियल्स स्टॉक के ठीक ही चल रहे हैं, रेवेन्यू थोड़ा कम रहा है इनका, यही रीज़न है स्टॉक में उतना बुलिश मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट वगैरह अदरवाइज सही है, अदर इनकम भी ठीक रही है, 13 CR की रही है। और आप नीचे जाओगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक रहा, लास्ट टाइम से कम निकला है, EBITDA इसी वजह से गिर गया है, बाकी नेट प्रॉफिट इनका राइज आएगा। तो मिक्सअप सो रहे हैं थोड़े फाइनेंशियल्स बट ठीक हैंगे। इन्वेस्टर्स की अगर आप बात कर लें तो FII ने रिसेंटली अपने स्टेक इंक्रीज़ किए हैं इसमें और आप देखोगे प्रमोटर्स के स्टेक ऑलमोस्ट 0-0 हो रखे हैं लास्ट 2 क्वार्टर से। DII ने भी अपने स्टेक इंक्रीज़ कर लिए, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक पब्लिक के ही पास पहुँच गया है। तो इसी वजह से स्टॉक थोड़ा मंदी दिखा रहा है। होपफुली सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।